नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डोमो स्लेट एसएलपी 8 वर्सेस डोमो स्लेट एसएसएम 25OS8 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टैब के डायमेंशन की। दोनों टैब की लेंथ की बात करें तो स्लेट एसएलपी 8 में 9.61 इंच जबकि एसएसएम 25OS8 में 4.92 इंच की लेंथ मिलती है जो कि स्लेट एसएलपी 8 से कम है। विड्थ की बात करें तो स्लेट एसएलपी 8 में 6.38 इंच जबकि एसएसएम 25OS8 में 8.15 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो स्लेट एसएलपी 8 में 0.39 इंच जबकि एसएसएम 25OS8 में 0.43 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि स्लेट एसएलपी 8 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो स्लेट एसएलपी 8 में 505 ग्राम्स जबकि एसएसएम 25OS8 में 318 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों टैब में सेम ही इप्स एलसीडी की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो स्लेट एसएलपी 8 में 10.1 इंचेस जबकि एसएसएम 25OS8 में 8.2 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों टैब में सेम ही 800x1280 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो स्लेट एसएलपी 8 में 75.09% जबकि एसएसएम 25OS8 में 71.97% मिलता है। बात करें पीपीआई डेंसिटी की तो स्लेट एसएलपी 8 में 149 पिक्सल प्रति इंच जबकि एसएसएम 25OS8 में 189 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स की जो कि टैब का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो स्लेट एसएलपी 8 में एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और एसएसएम 25OS8 की बात करें तो इसमें भी हमें एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो स्लेट एसएलपी 8 में 6 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और एसएसएम 25OS8 की बात करें तो उसमें 2 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों टैब में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम सीपीयू, जीपीयू, रैम की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले सीपीयू जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो टैब में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। बात करें रैम की तो स्लेट एसएलपी 8 में 4 GB जबकि एसएसएम 25OS8 में 2 GB रैम मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो स्लेट एसएलपी 8 में 64 GB जबकि एसएसएम 25OS8 में 32 GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों टैब में अप टू 512 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो स्लेट एसएलपी 8 में एंड्रॉइड वी 9.0 पाए जबकि एसएसएम 25OS8 में एंड्रॉइड वी 8.0 ओरियो देखने को मिलती है। बैटरी स्लेट एसएलपी 8 में 5020 mAh जबकि एसएसएम 25OS8 में 4020 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो स्लेट एसएलपी 8 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 13,590 रुपीस में मिल जाता है और बात करें एसएसएम 25OS8 की तो वो 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 8,399 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो डोमो स्लेट एसएलपी 8 में 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें डोमो स्लेट एसएसएम 25OS8 की तो उसमें 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों टैब सेम ही है। मेन कैमरा में स्लेट एसएलपी 8 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों टैब सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों टैब सेम ही है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे टैब को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें Realme Pad Mini LTE है, दूसरा Realme Pad Mini है, तीसरा Moto Tab G20 है और लास्ट कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें Realme Pad Lite है।
और ये सारे टैब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।